नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब त्योहार का दौर शुरू हो चुका है। आप लोग भी दीपावली की तैयारी में लग गए होंगे। दीपावली से पहले धनतेरस का भी बहुत महत्व है। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। धनतेरस पर महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, इस दिन यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है और इस दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, ये हम सब पूजा परफॉर्म करते हैं, पर इनको करने का सही तरीका और इसके पीछे का कारण भी हमें पता होना चाहिए। तो आज हम धनतेरस का महत्व और इस दिन क्या क्या उपाय करना है ये जानेंगे। इसके साथ ही यम दीपक की कथा जानेंगे और दीपक रखते समय क्या मंत्र बोलते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए पहले धनतेरस का महत्व जानते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन या कोई वस्तु या कोई गहने खरीदने की परंपरा बनी। इस दिन धन या कोई वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखना चाहिए और दीपावली के बाद इन बीजों को अपने बगीचे में या खेत में बो देना चाहिए। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। इस दिन चांदी या चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है, जो शीतलता प्रदान करता है और जिससे मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोषम परमम सुखम, अर्थात संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के लिए मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन शाम को घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में यमराज के नाम पर दीपक जलाया जाता है और इसे यमदीप भी कहा जाता है। अब हम यमदीप जलाने के पीछे की कथा जानते हैं कि कैसे यमदीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उससे ठीक 4 दिन के बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। संयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन के बाद ही यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे कि उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले कि हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मन में यमराज का ध्यान करते हुए दीप जलाकर रखना चाहिए। दीपक रखते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। मृत्युना दंड पासाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात सूर्यजः प्रियताम मम। तो दोस्तों, दीपदान से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप कमेंट में जरूर दें। और इसी तरह की भक्ति पूजा मंत्र से संबंधी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।